भाई हमें सुबह सूचना मिली, हमारे सीआई साहब प्रदीप जी ने सूचना मिली थी कि मूल जी की ढाणी इलाका था ना पचपदरा में, जगदीश देवासी निवासी पाली और तीन चार साथियों के साथ में रुका हुआ है घनश्याम कड़वासरा जाट के घर पर। इस पुख्ता सूचना होने पर हमारे द्वारा सर्किल का जाब्ता लिया गया, दो टीम गठित की गई थी और उसको यहाँ से रवाना होकर के करीब 1:30 बजे वहाँ दिन के और मूल जी की ढाणी पर पहुँचे, जो यहाँ से थाने से करीबन 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ जा कर के उसको घेरा दिया, तो घेरा देख करके वो एकदम से उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस पर हमारे द्वारा भी जवाबी दो कारतूस हमारे द्वारा भी फायरिंग की गई। फिर उसने अपना बचाव के लिए एकदम से गाड़ी की तरफ भागा, वो उसकी स्कॉर्पियो थी और उसको लेकर के भागने लगा, तो हमने उसको गाड़ी को तुरंत उसको आगे से रोक लिया, घेरा दे करके रोक लिया और उसको उतार लिया। तो उसके कब्जे से दो, तो एक उसका साथी और था करणाराम जाट, वो है निवासी भाईतू का, उनके कब्जे से हमने दो तो पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस, 4 खाली कारतूस, 3 सिल्की कारतूस बरामद किए और जो स्कॉर्पियो जिसको लेकर वो भागने लगे उसके भीतर 24 डोडा चूरा के 24 डोडा चूरा के 24 डोडा चूरा के जे कट्टे भरे हुए थे जिनका वजन किया गया, तो उसमें 4 कुंटल और 70 किलो करीबन गांजा, वो अवैध डोडा चूरा उसमें मिला, जिसके खिलाफ ये जो जगदीश देवासी है ये कई थानों पर वांछित है। इसके ऊपर कई जगह पुलिस कर्मियों के ऊपर जब नाकाबंदी करते तो फायरिंग करने के प्रकरण दर्ज है, गाड़ी चोरी के भी इसके ऊपर दर्ज है। इसने जो स्कॉर्पियो में जो डोडा चूरा भर रखा था वो भी स्कॉर्पियो चोरी की है। ये इसने दो स्कॉर्पियो इसके पास में है, जो सुबह भी इसके पास में एक स्कॉर्पियो थी जिसको नारायण जाट वो लेकर के और चला गया, उसमें भी इसने डोडा चूरा होना बताया, उसकी भी हमारे द्वारा जिसका नाकाबंदी करके प्रयास किए जा रहे हैं और इसके खिलाफ उसको मौके पर कार्रवाई करके और थाने पर ला करके और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसके ये एक बदमाश, नामी किस्म का बदमाश है, इसने बताया कि मेरे द्वारा कई बार MP से ला करके और यहाँ डोडा चूरा की सप्लाई की गई है। इसके खिलाफ और भी जो पूछताछ करके किस किस प्रकरणों में बांध सकते हैं, सख्त कार्रवाई की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई जारी है।